नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। मैं हूं प्रदीप सर और आज हम लोग क्लास 11 के सिलेबस की जानकारी देखेंगे है ना। क्लास 11 के सिलेबस यानी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, रसायन विज्ञान की जो सिलेबस है, उनका क्या क्या अध्ययन करेंगे अभी हम लोग, अभी उसका चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग शुरू से अंत तक देखना, आपके पूरे सिलेबस को चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे कि कितने चैप्टर हैं, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन मीडियम में पढ़ना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम देख लें तो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, या उसको आप मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानेंगे। यानी पहला चैप्टर आपका है मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, दूसरा है क्या परमाणु संरचना, तीसरा क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का वर्गीकरण। जब आप तत्वों को बंटवारा करते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो वहां तत्वों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहां पर हम लोग तीसरा चैप्टर में देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। और चौथा चैप्टर की जब हम लोग भाई साहब बात करें, चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ेंगे ये बंधन तो हमारा और आपका बंधन है, प्रदीप सर और आपका बंधन है, यानी केमिस्ट्री का बंधन है। याद रखिएगा, जन्मों का संगम है, केमिस्ट्री का बंधन है। यानी हम लोग चौथा चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग की चर्चा करेंगे, और पांचवा चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन की चर्चा करेंगे भाई। और छठा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं, यानी पदार्थ की कौन कौन अवस्थाएं होती है उनके बारे में हम लोग यहां पर बहुत विस्तृत जानकारी देंगे। यहां पर आएगा बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, आदर्श गैस समीकरण, इन सभी की चर्चा हम लोग यहां करेंगे। उसके बाद आ जाएगा थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स माने ऊष्मा गतिकी, यानी ऊष्मा गतिकी से रिलेटेड हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। फिर इक्विलिब्रियम होगा, साम्यावस्था आएगा, फिर आपका इसी में अम्ल क्षार लवण आएगा, यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर यहीं पर आपको इसी में देखने को मिलेगा। फिर हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग आईयूपीएसी नाम इसी को कहते हैं नोमेनक्लेचर को, फिर हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, और फिर आइसोमेरिज्म यानी समावयवता पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और यह जो आपका स्टार्ट होगा हम लोग 25 फरवरी से रेगुलर लाइव क्लास के माध्यम से आपको यूट्यूब पर फ्री में लाइव क्लास मिलेगा। तब तक मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद।